कुछ लोग गरीब हैं, नए आए हैं अभी, 200-300 रियाल उनकी तनख्वाह है, उसमें इकामे का पैसा भी काटा जाता है, उसमें टिकट का पैसा भी काटा जाता है, वो 2-3-4 साल तक रह जाता है लेकिन अपना कर्ज नहीं अदा कर पाता। तो ऐसे लोगों को जमा करके कि चलो भाई तुम्हारे खाने का इंतजाम हो रहा है, तुम अपने पैसे को बचाओ, तुम अपने पैसे को बचाओ। तो इस तरीके से आपस में अगर हम हर इलाके के रहने वाले लोग अपनी एक कमेटी बना ले, 2-4 आदमी जमा होकर के, तो यह मसला आसानी से हल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यहां पर लोग मुस्तहिक आपकी नजर में नहीं है, तो यहां से दूर हट करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी जहां भी जरूरतमंद और मोहताज हो, उन्हें यह अदा ज़कात फितर दिया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि गल्ले की शक्ल में पहुंचाया जाए, जिस तरीके से मैं बहुत से लोगों के सदके फितर जो मुझे देते हैं उनके साथ मैं ये करता हूं। एक चीज। दूसरी चीज है कि सदके फितर ईद से ज्यादा पहले नहीं बल्कि 1-2 दिन पहले तक दिया जा सकता है। अलबत्ता ईद के बाद, जैसा कहते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान ईद से पहले अदा करता है सदके फितर, वो तो सदका कबूल किया जाएगा, और जो सदके फितर ईद से पहले नहीं अदा करता वो आम सदकात में होगा, उसका सदके फितर कबूल नहीं है। तो इसका एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद एक और नुक्ता है जो आम तौर पर लोग छोड़े हुए हैं। हुसैन, यहां पर जो लोग रहा करते हैं, जो यहां पर रहते हैं, इंडिया पाकिस्तानी लोग अहलो आयाल अपना करते हैं, तो ईद के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, नहाने, ये इसका बहुत कम ही इंतजाम किया करते हैं। आप देखेंगे अमूमी तौर पर ईद पढ़ने जाने लगेंगे तो उसका कोई खास एहतमाम नहीं करेंगे, लेकिन ईद के बाद और असर के बाद जब दोस्तों से मिलने जाने शुरू करेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के इंतजाम करेंगे वो लोग। हालांकि ये सुन्नत के खिलाफ है। आप जो खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा जो कपड़ा पहने, लोगों को दिखाने के लिए नहीं पहन रहे हैं। ईद के एहतराम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए और अल्लाह तबारक व ताला के शुक्रिया के तौर पर अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला के शुक्रिया के तौर पर आप अदा करें, किसी को दिखाने के लिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज हमने देखा है हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई और बांग्लादेशी भाई की इस सुन्नत को अमूमी तौर पर वो लोग छोड़े हुए हैं। बसा औकात देखा है जो चप्पल हम्माम में पहनते वही पहन के ईदगाह भी चले गए। और जब असर के बाद लोगों से मिलना निकले, देखे वो जूते पॉलिश भी हो रहे हैं, मोजे भी पहन रहे हैं और प्रेस भी हो रहा है, अपना शेव भी कर रहे हैं, सारे के सारे अपनी जीनत इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि ये सब चीज किस लिए होनी चाहिए, लेकिन शेव नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी हम कहेंगे हाँ भाई आप मुझे साथ शेव करने के लिए करेंगे, हाँ जाए ये भी कर लेते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों के ऊपर इस जमाने में एक फितना है, फितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे यहूदियों की, मजूसियों की और गैर कौमों की आदत करार दी है, और आपने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से है। कैसे गवारा है एक मुसलमान को कि जो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, अल्लाह के नबियों का दुश्मन है, अल्लाह के फरिश्तों का दुश्मन है, उसकी मुशाबहत हम किस तरीके से करें। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि ईद के दिन अच्छे से अच्छा कपड़ा जितना हमसे हो सकता है, अच्छी से अच्छी खुशबू जो हमसे हो सकती है, और बड़े एहतमाम के साथ ईद पढ़ने जाना हो तो हम नहाएं, धोएं, अच्छे से कपड़ा पहने और खुशबू लगा करके अल्लाह हू अकबर कहते हुए अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने निकल जाएं। ईद के आदाब में से एक अदब क्या है कि ईद बकरीद के दिन नहीं, ईद उल फित्र को निकलने से पहले पहले कुछ ना कुछ जरूर खा लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु करवाए थे कि आप विद्र खजूरें जरूर खाया करते थे, 3, 5, 7, 9, 11। उलमा कहते हैं कि अगर कहीं पर खजूर नहीं पाई जाती या वहां का खाना खजूर नहीं है तो कोई भी चीज इंसान खा करके निकले वो सुन्नत अदा हो जाएगी। मिसाल के तौर हमारे यहां क्या खाते हैं लोग, सेवैया खाते हैं, है कि नहीं, छुहारे खा करके निकलते हैं, है कि नहीं। तो इस सुन्नत का भी एहतमाम करना चाहिए। जरा देखें, यह मामूली सी चीज है, हालांकि अगर इंसान इस लिहाज से अदा कर रहा है और इस नियत से अदा कर रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत है और अल्लाह ताला ने ईद का यह अदब करार दिया है, तो इसके ऊपर उसे बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है।
उसे बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है। इसी तरीके से ईद की नमाज और खुतबे के अंदर हाजिरी भी, जैसा कि इससे पहले हमने कहा कि ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है, बहुत से उलमा ने उसे वाजिब कहा है। उसे यह नहीं कि हमारे टेलर भाई हैं 5 बजे तक 6 बजे तक लोगों कपड़ा सुनते सिलते रहे, अब जाहिर बात जब रात भर जगे हैं और पूरा आशरा जगते हुए आए हैं तो अब इबादत में दिल तो लगेगा नहीं, तो क्या करते हैं, गए अपना थोड़ी चाय पियो तान करके सो गए। यहां कौन देखने वाला है, न हमारे बीवी है न हमारे बच्चे हैं। कहते हैं ईद की सच्ची खुशी तो अकरबा की ईद है, हम वतन से दूर हैं क्या खाक हमारी ईद है, है कि नहीं? ईद की सच्ची खुशी तो अकरबा की ईद है, हम वतन से दूर हैं क्या खाक हमारी ईद है। हाँ, ईद आप अकरबा के लिए नहीं पढ़ रहे, खुशी अकरबा के लिए नहीं मना रहे, किसके लिए मना रहे हैं? उस दात को राजी करने के लिए। तो कोई है या नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत का हुक्म है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। इसी तरीके से ईद की एक सुन्नत यह है कि इंसान जिस रास्ते से जाए और वापस आए तो दूसरे रास्ते से आए, जिस रास्ते से जाए वापस आए तो दूसरे रास्ते से आए। जैसा कि हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से ईद के दिन वापस आया करते थे। ईद की सुन्नतों को मुख्तसर करके एक बात पर मुतनब्बिह करना चाहता हूं कि ईद के मौके पर लोग बाद गलतियां कर जाया करते हैं। एक तो यह है कि हमारे बाद भाई जो एक खास जमात से मुंसलिक हैं, वो जिस तरीके से रमजान की रातों को जाग करके इबादत करना मसनून समझते हैं, इसी तरीके से ईद की रात को जाग करके भी इबादत करना मसनून समझते हैं। और हम और आप तो हैं, हमसे रमजान की रातों में नहीं जागा तो ईद की रात में कैसे जागा जाएगा। लेकिन बाद लोग हैं ऐसे, वो इस सिलसिले में एक हदीस पेश करते हैं जो हदीस उलमा के नजदीक सख्त ज़ईफ और मौदू है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आप जब अपने मोतकफ एतगाफ अगाह से निकले हो तो उस रात को आपने जाग करके गुजारा हो, यानी ईद की रात को। इसलिए ईद की रात को खसूसी तौर पर जागना और वो अमल करना जो आम साल भर की रातों में नहीं किया जाता है, यह चीज जायज नहीं बल्कि यह बिदात की ददा करीब है। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में आप देखेंगे कि ईद के दिन लोग कब्रस्तान जाना जरा बड़ा एहतमाम देते हैं, इसका भी कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से ईद के दिन लोग गाना बजाना जायज समझते हैं। मुझे याद है कि मैं आईमा इलाहाबाद के अंदर, वहां के नौजवान अल्लाह जो है साबित कदम रखे, पूरे रमजान बड़ी मेहनत से तरावी पढ़ा करते थे और बड़ी मेहनत से रोजा रखते थे, लेकिन जब ईद का दिन होता था तो टाकीज वाले से कहे कि हां आज अच्छी फिल्म लगाना, उधर ना जाइए, यहां रहने वाले जो लोग रियाद वगैरह में हैं, ये लोग ईद के दिन के लिए खसूसी दो दो तीन तीन, अब तो वीसीआर की जरूरत ही नहीं रह गई है, वरना शुरू शुरू में मैं आया था तो ईद के दिन खसूसी इस बात का एहतमाम किया करते थे कि दो दो तीन तीन फिल्में ला करके अपने घर में रखा करते थे। या जो लोग इस मैदान में रह चुके उनसे पूछ लीजिए सही है कि नहीं सही है। तो ये ईद की बिदात बल्कि अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री में दाखिल ये चीज है, ऐसा कतान करना नहीं चाहिए। आखिरी बात जो मुझे आपके सामने रखनी है वो यह है कि देखिए एक मोमिन के लिए असल ईद का दिन है क्या, एक मोमिन के लिए असल ईद का दिन क्या है, एक मोमिन के लिए असल, इस नुक्ते पर जरा गौर करने की जरूरत है। असल ईद का दिन एक मोमिन के लिए यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाए। इसीलिए जरा देखें, आपने हफ्ते भर की नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी है, उसके शुक्रिया में आप जुमा को ईद का दिन मान रहे हैं। आपने एक महीना अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखा है और रात में जाकर के इबादत की है और इस उम्मीद पर आप ईद मना रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश हो और आपके गुनाहों को माफ कर दे। तो असल ईद का दिन एक मुसलमान के लिए क्या है कि उसका मालिक उससे मिल जाए। इसीलिए एक नुक्ता मैं आपके सामने रखूं, जरा गौर कीजिए। आप यहां से जाकर के इस बार तजर्बा कर लीजिएगा, आप यहां पर हैं और आपके बच्चे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में,